संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है, मोस्ट एम्पी संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है, इन्हें जीन किया जाता है, ठीक, मोस्ट एम्पी जीन किया जाता है। दूसरी बात, इन्हें एक और बात कही जाती है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, ये भी वही बात है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक ये भी है जीव विज्ञान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीटी एग्जाम हो या फिर आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, शिक्षा से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास के जो जनक है, इन्हें जीन पियाजे जी को कहा जाता है। दूसरी बात, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है, ये भी जीन पियाजे है। दूसरी बात, इनका जो प्रतिपादन है काफी महत्वपूर्ण है, ये किसके प्रतिपादक थे, इनका जो प्रतिपादन महत्वपूर्ण था, निर्माण एवं खोजी अवस्था का प्रतिपादन इन्होंने किया था, काफी महत्वपूर्ण बात है, इनका जो प्रमुख प्रतिपादन है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रतिपादन निर्माण एवं खोजी अवस्था का इन्होंने प्रतिपादन किया था, निर्माण एवं खोजी अवस्था का प्रतिपादन किया था किसने, जीन पियाजे। निर्माण एवं खोजी अवस्था का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, काफी महत्वपूर्ण है ये वाला, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरी बात, इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है, इनके कुछ पुस्तकें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्होंने किन किन पुस्तकों को लिखा है, ये किस किन पुस्तकों के राइटर है, ये काफी महत्वपूर्ण बात आती है। इसमें जो है महत्वपूर्ण बात आती है आपका 1923 से लेके 1932 तक इन्होंने काफी महत्वपूर्ण पुस्तकों का इन्होंने रचना किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये सारी पुस्तकें हैं, जैसे इनका जो सबसे पहला पुस्तक आया था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, 1923 में इन्होंने जब इसका प्रतिपादन किया, काफी, मैं इसको लिखा रहा हूं अभी, जिन पियाजे की प्रमुख पुस्तकें हैं, ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए भी हैं। अपने रिसर्च का इन्होंने एक शोध पत्र बनाया और उसको बाद में पुस्तक की रचना की गई थी, वह पुस्तक जिसमें से पहला पुस्तक है इनका द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ आप चाइल्ड, इनके प्रमुख एक पुस्तक थी। इनकी दूसरी पुस्तक थी द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक ये, द मॉरल द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड,
तीसरी इनकी जो पुस्तक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड चाइल्ड। और इनकी चौथी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक द कॉन्सेप्शन द वर्ल्ड, कॉन्सेप्शन द वर्ल्ड। जिन प्यारे की जो काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमेशा एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, उनमें से जो पहली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, सेकंड पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, तीसरी पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, और चौथी इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द कॉन्सेप्शन द वर्ल्ड। ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक थी और एग्जाम में आने की संभावना भी रहते हैं इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं। ये तो जिन प्याजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं जो आप